नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज महिला दिवस है। महिला दिवस के सुअवसर पर मैं इस समाज की महिलाओं को, जो आजकल उनकी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है कि सेक्स करने की, इंटरकोर्स करने की महिलाओं की इच्छा नहीं होती है। समाज ऐसा हो गया है कि आपको हर समय काम काम और काम, मानसिक थकान और शारीरिक थकान से आप गुजरती हैं। आप वैवाहिक जिम्मेदारियाँ, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, घर की जिम्मेदारियाँ, ऑफिस की जिम्मेदारियाँ, जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ सब निभाते निभाते आप इतना थक जाते हैं कि जो जीवन का वास्तविक आनंद है वो आप नहीं ले पाते। हम आपको बताएंगे सेक्स की इच्छा न करने का, समस्या को दूर करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। आज का जीवन साथियों दौड़ भाग का जीवन है, इसमें किसी की गलती नहीं कही जा सकती। एक महिला, हम मान लेते हैं आजकल परिवार में दोनों लोगों का काम करना आवश्यक हो गया है महंगाई के कारण, तो परिवार में महिला रात में थकी हारी घर आती है, 8-9 बजे व्यक्ति घर पहुंचा, उसके बाद उसने खाना बनाया, सबको खाना खिलाया, जब तक वो दिन भर काम करके ऑफिस में बहुत थक चुकी होती हैं और जब रात में इतना जो घर का काम करने के बाद फिर उनका इंटरकोर्स करने का, सेक्स करने की इच्छा नहीं होती है। इससे आपके पार्टनर को भी दिक्कत होती है, लेकिन आपकी परेशानी भी समझी जा सकती है कि आप कि आपको ये तो लगता है कि ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा मन नहीं करता है। तो तमाम सामाजिक टेंशन, पारिवारिक टेंशन और सब चीज़ों को मिला के जो आपकी सेक्स करने की इच्छा नहीं होती, इंटरकोर्स करने की इच्छा नहीं होती है, हम उस समस्या को दूर करने की, यानी आपको सेक्स करने की इच्छा बढ़ाने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं बताएंगे। मैं अपने पुरुष भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आप भी इस वीडियो को देखें और अगर आप इस वीडियो में अपने परिवार की महिला की दिक्कत को आइडेंटिफाई कर पाए उनकी दवा को, तो वह दवा उनको किसी कुशल चिकित्सक से पूछ के आप दे सकते हैं। इससे आपका पारिवारिक जीवन सुखद होगा, क्योंकि एक मैं आपको फैक्ट बता दूं कि सेक्स करने से, इंटरकोर्स करने से आपका टेंशन रिलीज होता है, आपको स्ट्रेस नहीं होती, स्ट्रेस बढ़ती नहीं, स्ट्रेस कम होती है, समस्याएँ कम होती हैं। और अगर आपको कोई समस्या हो सेक्स करने में, जिस फिजिकल, तो आप हमको लिख सकते हैं उसके बारे में। लेकिन साथियों, आपको बताते हैं 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो आपके महिला के मन में सेक्स की इच्छा को बढ़ा देंगी और जो उसकी सेक्स की इच्छा नहीं करती है उसको ख़त्म कर देंगी और आपके वैवाहिक जीवन में आनंद ला देंगी। चलते हैं साथियों, बताते हैं 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं महिलाओं के सेक्स की इच्छा न होने को दूर करने की समस्या के निदान हेतु। साथियों, नंबर एक दवा जो होम्योपैथी में है कि अगर आपका सेक्स करने की, इंटरकोर्स करने की इच्छा नहीं होती है, उस इच्छा को वापस लाने की, वह है सीपिया। अगर आपकी सेक्स करने की इच्छा नहीं होती है, आपको कब्जियत बनी रहती है, आपको थोड़ा वीपिंग डिस्पोजिशन है, बात बात पे रोना आता है, इस तरह का अगर आपका स्वभाव है, आप थोड़ा डिप्रेस मूड में चल रही हैं, तो इन चारों चीज़ों को ठीक कर देगी एक दवा, वह है सीपिया। आप सीपिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें और अपने वैवाहिक जीवन को आनंदमय और सुखद बनाने का प्रयास करें। क्योंकि एक ये भी सत्य है कि आपका जो साथी है वो भी आप पे निर्भर है। जब तक आप को इच्छा नहीं होगी तो शायद सामने वाला भी परेशान रहे। और एक इसका, हालांकि दो गलत बातें एक सही बात नहीं बताती है, लेकिन हो सकता है कहीं वो बाहर का सहारा ले, तो यह सीपिया दवा लेकर आप अपनी सेक्स करने की इच्छा को बढ़ा सकती हैं, मन को ठीक कर सकती हैं। एक बहुत बड़ा कारण होता है सेक्स करने की इच्छा ना होने का, वह होता है कि आपकी जो वजाइना होती है वो ड्राई हो जाती है, वजाइना में ड्राइनेस होती है। और फिर जब आप पोजिशन करती हैं किसी के साथ, जब आप संबंध बनाती हैं, इंटरकोर्स करती हैं, तो आपको पेन होता है, तो इसलिए आपकी सेक्स करने की इच्छा नहीं होती। तो अगर यह स्थिति हो कि आपको सेक्स करने की इच्छा ना होती हो, कि आपको दर्द बहुत होता हो जब आप सेक्स करते हो उस समय,
तो उस समस्या को ख़त्म करने की, आपके वजाइना को वापस मॉइस्ट करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है नेट्रम यूरेटिकम। आप नेट्रम यूर 1 mg पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। यह दवा आपकी सेक्स करने की इच्छा को पुनः लाएगी, आपके जो पेनफुल क्वेश्चन होता है, दर्द होता है, उसको ख़त्म करेगी, आपकी वजाइना में जो ड्राइनेस रहती है उसको भी ख़त्म करेगी। एक स्थिति किसी महिला के सामने आ सकती है कि जब आप इंटरकोर्स करती हो तो बहुत ज़्यादा आपके जलन होती हो और लगता हो कि पीरियड आ जाएगा, इतना ज़्यादा जलन होती हो इंटरकोर्स करने के दौरान और उसके बाद कि आपका मन ना करता हो इंटरकोर्स करने का, तो उस समस्या को ठीक करने की, यानी आपके इंटरकोर्स के बाद जो जलन होती है और दौरान जो जलन होती है और आपको लगता है कि मेंसेस फ्लो शुरू हो जाएगा आपका, उस समस्या को ख़त्म करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। आप लाइको 30 दो बूंद दिन में 3 बार ले सकती हैं 200 पावर में। यह दवा आपके जो जलन होती है इंटरकोर्स के दौरान उसके बाद उसको भी ख़त्म करेगी, और जो आपको एक एहसास होता है कि पीरियड आ जाएगा, यूट्रस नीचे की तरफ आ जा रही है, प्रोट्रूड हुई जा रही है, प्रोलैप्स हुआ जा रहा है, वह सब खत्म होगा और आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा, क्योंकि जब आपका साथी भी खुश रहेगा तो वो पूरे परिवार की खुशी में एक आपका योगदान होगा। एक स्थिति आती है हमारे किसी के साथ, महिला के साथ आ सकती है कि वो नाम ही नहीं सुनना चाहती है, उसको सफ़ेद लुकोरिया की बहुत दिक्कत होती, सफ़ेद पानी की दिक्कत होती, वाइट डिस्चार्ज होता है, और वो महिला सुनना ही नहीं चाहती है कि हम ऐसा करें भी, सोचना ही नहीं चाहती है। तो अगर ऐसी स्थिति है किसी महिला के साथ तो आप हाइड्रेस्टिस कैंडेसिस ले सकते हैं। हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर 10 बूंद सुबह शाम आप आधे कप पानी में ले सकते हैं। यह दवा आपकी सेक्स करने की इच्छा को बढ़ाएगी, जो मन में आप सोचना ही नहीं चाहते हैं उसको ख़त्म करेगी और आपको सेक्स करने की इच्छा को बढ़ा के आपके लुकोरिया को ठीक करके आपके वैवाहिक जीवन को सुखद और आनंदमय बनाएगी। एक स्थिति किसी महिला के सामने आ सकती है जो उसको इंटरकोर्स ना करने के लिए बाध्य करे या इंटरकोर्स ना करने के लिए सोचने पर मजबूर करे, वह यह है कि जब वह इंटरकोर्स करती हों तो उनके वल्वा में, आउटर पार्ट का जब वजाइना का है उसमें जो है आपके पेन और जलन होती हो, तो अगर यह स्थिति हो कि आपको वल्वा में जलन महसूस होती हो इंटरकोर्स करने में, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है प्लैटिनम मेटालिकम। आप प्लैटिनम मेटालिकम यानी प्लैटिना 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकती हैं। अगर आपके रेतने काटने वाला दर्द होता हो और आप उसके कारण इंटरकोर्स ना करती हो, तो यह दवा आपके दर्द को भी रिलीफ करेगी, और जब आपको रिलीफ होगा और आनंद की अनुभूति होगी तो आप बार बार इस प्राकृतिक प्रोसेस को करना चाहेंगी। एक स्थिति किसी महिला के सामने आ सकती है कि उसका सेक्स करने का, इंटरकोर्स करने का इच्छा इसलिए नहीं होती कि जब वो इंटरकोर्स करती है तो उसे आनंद नहीं आता है, इंजॉयमेंट एब्सेंट होता है। तो अगर यह स्थिति हो कि आपको सेक्स करने की इच्छा इसलिए ना होती हो कि आपको उससे आनंद महसूस ना होता हो, आनंद की अनुभूति ना होती हो, तो अगर यह दिक्कत हो कि आपका एंजॉयमेंट एब्सेंट हो, आपको थ्रिल ना होती, ऑर्गेनिज्म एब्सेंट हो, तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है ब्रोमियम। आप ब्रोमियम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकती हैं। यह आपके सेक्स के दौरान आनंद को बढ़ाएगी, और ये सत्य है कि जब आपको किसी चीज़ में आनंद आएगा तो आप उसे पुनः बार बार करने का प्रयास करेंगी। तो ब्रोमियम बहुत अच्छी दवा है आपको इस समस्या से निकालने की कि आपको आनंद नहीं आता, जब आनंद नहीं आता तो मन नहीं करता, ब्रोमियम से आपका मन भी करेगा और आपको एंजॉयमेंट भी फील होगा। एक स्थिति साथियों आ सकती है इंटरकोर्स करने की इच्छा महिला में इसलिए ख़त्म हो जाती हो कि जब वह इंटरकोर्स करती हो तो रेतने काटने वाला दर्द उसके अंदर होता हो। जब यह स्थिति हो कि आपको जो है, जब आप इंटरकोर्स करती हो तो आपके बहुत पेन होता हो, लगता हो रेत काट दिया अंदर, यूट्रस तक पूरा पेन जाता हो वजाइना से होता हुआ, तो उस पेन को ख़त्म करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है फेरम मेटालिकम। आप फेरमेट 30 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकती हैं। यह दवा आपके इस पेन को ख़त्म करेगी, जो कटिंग टाइप पेन आपके होता है वजाइना से यूट्रस तक एक्सटेंड करता है, और आपके वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाएगी। एक स्थिति किसी महिला के साथ आ सकती है इंटरकोर्स करने में अपने वैवाहिक जीवन में
कि उस अगर वो इंटरकोर्स करती हों तो उनकी सांस फूलने लगती हो। तो अगर आप वैवाहिक जीवन के बाद अपने सेक्सुअल संबंध, सेक्सुअल जिम्मेदारी, सेक्सुअल प्रोसेस को करने में आपका सांस फूलती है तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एम्ब्राग्रेसिया। आप एम्ब्राग्रेसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें तो जो आपकी एस्थमा की शिकायत है इंटरकोर्स के दौरान वह ख़त्म हो जाएगी और आप इस प्राकृतिक फिनोमेना को एंजॉय कर पाएंगे। एक स्थिति आ सकती है किसी महिला के सामने कि जब वह इंटरकोर्स करती हों तो उनके वजाइना का कॉन्स्टिक्शन हो जाता हो। यह एक बड़ी कॉमन समस्या है, इसके बहुत मरीज आते हैं कि जब महिला पुरुष पार्टनर के साथ संबंध स्थापित करती हैं तो उनके जो है वजाइना कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और इंटरकोर्स हो नहीं पाता और फिर अब उनका मन नहीं करता इंटरकोर्स सेक्स करने का। तो इस समस्या को ख़त्म करने की यानी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ वजाइना जो सिकुड़ जाती है उसको ख़त्म करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कैक्टस ग्रैंडिफोलियस। आप कैक्टस 200 पावर में 2-2 बूंद ले सकती हैं अगर इंटरकोर्स करने से पहले, संबंध स्थापित करने से पहले सेक्सुअल आपके वजाइना का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता हो और आप इंटरकोर्स न कर पाती हो, तो यह दवा आपको ठीक करेगी और आपके वैवाहिक जीवन को सुखद बनाएगी। एक स्थिति आती है जो आपको मजबूर करती क्वेश्चन ना करने के लिए कि वो जब आप क्वेश्चन करते हैं, जब आप इंटरकोर्स करते हैं, सेक्सुअल संबंध अपने पार्टनर के साथ स्थापित करती हैं तो उसके बाद आपको ब्लीडिंग होने लगती है और आपके वजाइना में जलन होने लगती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा जलन होने लगती हो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद और ब्लीडिंग होने लगती हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है क्रियोजोटम। आप क्रियोजोट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। यह दवा आपके ब्लीडिंग को भी रोकेगी, आपके पेन और जलन को भी रोकेगी और आपको सुख की अनुभूति देगी। एक स्थिति आ सकती है किसी महिला के सामने कि आपकी शादी हुई हो, विवाह हुआ हो और विवाह होने के बाद शुरुआती दिनों में आपको बहुत पेनफुल क्वेश्चन हुआ हो और वह जो शुरुआती दिनों में आपको बहुत पेनफुल क्वेश्चन हुआ, इंटरकोर्स हुआ हो, उसके बाद अब आपका इंटरकोर्स करने का मन नहीं करता क्योंकि उस चीज़ ने आपको तकलीफ दी है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है स्टेफिसैग्रिया। आप स्टेफिसैग्रिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकती हैं कि जब आप क्वेश्चन करे हों शुरू में शादी के बाद, सेक्सुअल इंटरकोर्स करे हों और उस समय आपको पेन होता हो, तो यह दवा आपके उस खौफ को भी ख़त्म करेगी, डर को भी ख़त्म करेगी और कभी भी इसके बाद आपको इंटरकोर्स होने में पेन नहीं होने देगी और आपको वैवाहिक जीवन का पूरा आनंद देगी। एक स्थिति आती है कि क्वेश्चन के बाद, यह बहुत कम होती लेकिन किसी महिला में हो सकता है कि उसके बाद वो थोड़ा स्टैमरिंग करने लगती, तुतलाने लगती है, आवाज़ उनकी साफ नहीं आती। तो अगर यह स्थिति हो कि क्वेश्चन के बाद आपको जो है वह स्टैमरिंग होती हो, तोतलापन आ जाता हो आवाज़ में आपकी, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है सेड्रॉन। आप सेड्रॉन 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकती हैं। यह आपके स्टैमरिंग को भी ख़त्म करेगी और आपके जो है इसके कारण जो अनिच्छा होती है सेक्स से उसको भी ख़त्म करके आपके वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाएगी। यह कुछ दवाएँ थी आपके लिए, आपके वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए, क्योंकि एक तरह से वैवाहिक जीवन के बाद, मैंने इस वीडियो में वैवाहिक जीवन के बाद शब्द यूज़ करा है, काफ़ी जगह करा है, तो आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब बार बार वैवाहिक जीवन के बाद क्यों बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि मैं पुराने ख्यालात का आदमी हूँ। आजकल एक बड़ा नया ट्रेंड चला है लिव इन रिलेशनशिप, बड़ा साहब नया ट्रेंड है। मेरे भी कुछ जानने वाले हैं जो इस लाइन पे चल रहे हैं, तो मुझे ये हास्यास्पद भी लगता है और दुखद भी लगता है। हास्यास्पद इसलिए लगता है कि व्यक्ति ऐसे परिवार में पला बड़ा है जिनके माँ बाप ने ऐसा कार्य नहीं करा लेकिन उनके बच्चे वह कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ तमाम फ़ोन आते हैं, जो माँ बाप का फ़ोन आता है, डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बच्ची लिव इन रिलेशनशिप में फला जगह रह रही है। तो मैं ये सुन के भी दुखी हो जाता हूँ क्योंकि
आप अगर नियम से, और एक मैं यहाँ पर अपना मतभेद भी कोर्ट के साथ रख, कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को वैध करार दिया है, बड़ी अच्छी बात है, हम लोग बड़ी आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा वो आधुनिकता की सीमा क्या है। किसी भी चीज़ की सीमा टूटती है तो वह चीज़ फिर अच्छी नहीं रह जाती। एक छोटी सी बात से पानी पीने से लेके जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ या वहाँ तक सत्य है। और से भी मतभेद रखता हूँ, मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति में ना कभी ये लिव इन रिलेशनशिप अच्छी मानी गई थी, ना अच्छी मानी जाती है और ना अच्छी मानी जाएगी। तो जो है वह बहरहाल मैं टॉपिक से थोड़ा अलग हो गया, लेकिन यह वीडियो माध्यम है आपको समाज के प्रति समाज को सजग करने का भी, मेरे प्रयास से जो मैं कर सकता हूँ। तो आप इन दवाओं को ले सकते हैं वैवाहिक जीवन के शुरू होने के बाद, या हमारे पुरुष साथी अपनी महिला साथी को, अपने परिवार की महिला सदस्य को यह दवा दे सकते हैं। बहुत कारगर दवाएं साथियों, रिक्वेस्ट यही करेंगे कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिएगा। हर होम्योपैथिक दवा के इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप का हमारा नंबर नीचे दिया है नोटिफिकेशन में, आप उस पर अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं। हमें प्रसन्नता होगी आपके जवाब देने में। और निवेदन है साथियों, अगर आपको यह वीडियो काम का लगा हो, लगे कि यह समाज की कुछ मदद कर सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा होगा और उसे सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन के क्लिक करके हमारा सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। एक बार पुनः ये कामना के साथ कि आपका स्ट्रेस कम हो, आपका तनाव कम हो, आपकी परेशानियाँ कम हो और आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो और पारिवारिक जीवन सुखद हो, डॉक्टर उमंग खन्ना क्लिनिक आपको इतिरेर अपने साथ रहने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता है। धन्यवाद।